हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी को बीके कारपेंटर चैनल पर। तो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने जो ये दरवाज़ा यहाँ पे रखा हुआ है, तो दोस्तों ये दरवाज़ा मैंने नहीं बनाया, किसी और ने बनाया है। तो दोस्तों, इस दरवाजे का हम जो है ये लॉक लगाने वाला है। जैसे देख सकते हैं अपने यहाँ पे हमने ये लॉक जो निकल के यहाँ पे रखा हुआ है। तो आज हम दोस्तों दरवाज़ा का लॉक लगाने वाले हैं और साथ हम इसके हैंगर्स वगैरह लगाकर फिटिंग भी करके रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे लॉक लगाने के लिए निशान जो लगा के रखा हुआ, आपको शायद हल्का सा दिख रहा होगा। तो दोस्तों, आप चले बिना देरी के हम इसके लॉक लगाने के लिए यहाँ पर होल करते। पहले दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो है होल करके रेडी करके यहाँ पे रख लिया कुछ इस तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पे होल कर लिया, लेकिन अभी इसके साइड पे जो हैंडल वगैरह लगाने के लिए उसका होल करने का काम बाकी है। तो अभी चलिए हैंडल का जो होल होता है वो भी कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे इसका हैंडल के लिए भी, हैंडल लगाने के लिए जो वो भी होल हमने करके रेडी कर लिया है। तो अब चलिए इसके दोस्तों हमें इसके लॉक लगाने से पहले जो है कि हम दरवाज़ा को फिटिंग करेंगे पहले चौकट पर। तो चौकट पर देखिए हमने हैंगर्स के लिए जो हैंगर्स लगाने के लिए वो कटिंग करके रेडी करके रखा हुआ है। और देख सकते हैं हमने लगा लिया है हैंगर्स दरवाज़ा पे, हमने हैंगर्स फाइनली लगा कर रेडी करके रख लिया है। तो अब दोस्तों चलिए इसको हम जो है चौकट पर फिटिंग करते हैं। तो देख सकते हैं हम इसको फिटिंग करने वाले। तो दोस्तों हम जो दरवाज़ा चौकट पर फिटिंग करने के लिए जो अकेले ही फिटिंग करने वाले, बिना हेल्पर की मदद से जो है मैं अकेले में ही ये दरवाज़ा जो है फिटिंग करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को दरवाज़ा भी फिटिंग करके दिखाऊंगा और साथ ही साथ इसके लॉक जो है वो दरवाज़ा का लॉक जो किस तरह से लगाया जाता है वो भी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल वीडियो हो सकता है। तो आप लोग दोस्तों वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक दरवाज़ा का लॉक जो है वो किस तरह से लगाया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हम ये दरवाज़ा जो है वो लगाने का काम शुरू कर दिया। तो दोस्तों हमने ऊपर में एक स्क्रू तो लगा दिया है, अभी हम इसके नीचे भी स्क्रू लगाने वाले हैं। तो दोस्तों दरवाज़ा आप लगाने से पहले जो है कि सबसे पहले ऊपर वाला एक स्क्रू लगाना पड़ता है सबसे पहले। तो सबसे पहले ऊपर वाला एक स्क्रू लगा देते हैं तो आपका दरवाज़ा जो है आसानी से फिटिंग करने के लिए हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जैसे देख सकते हैं मैंने ऊपर वाला एक स्क्रू लगा दिया और नीचे वाला स्क्रू जो आसानी से जो लगा रहे हैं। तो एक एक स्क्रू लगाकर हम इसको अभी बंद करके देखेंगे, चेक करके कि सही तरह से बंद हो पाता है कि नहीं। तो दोस्तों हमारा दरवाज़ा जो लगभग सही थोड़ा सा ऊपर जो है लग रहा है, तो हम इसको हैंगर्स को हथौड़ा से मार के थोड़ा सा नीचे कर दिया हूँ। और दोस्तों ये दरवाज़ा जो साइड पे थोड़ा सा लग रहा है, तो इसका हम स्क्रू सारे मार लेने के बाद जो इसका हम लूज़ कर लेंगे, थोड़ा सा हल्का सा लग रहा है। तो पहले दोस्तों इसके चले इतने इसके स्क्रू जितने वो सारे लगा कर कम्प्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमने दरवाज़ा का जो सारे स्क्रू जो है वो लगाकर फाइनली जो है कंप्लीट करके हो गया है। तो देख सकते हैं कितने आसानी से बंद हो रहा है, इसके हमने जो साइड पे लग रहा था वो हमने लूज कर दिया हूँ। तो देख सकते हैं, तो अब चलिए मैं एक बार आपको दूर से भी दिखा देता हूँ इसको अच्छी तरह से जो कि किस तरह से बंद होता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये देखिए हमारा दरवाज़ा पूरा खुल जाता है, कोई लगता नहीं है, टाइट उठ नहीं है, बिल्कुल लूज है। देख सकते हैं कितनी आसानी से ओपन क्लोज हो रहा है, देख सकते हैं। तो दोस्तों अब चलिए इसका लॉक लगाने का काम जो वो बाकी रह गया है, तो अभी हम इसको लॉक जो है वो लगा लेते हैं। तो दोस्तों दरवाज़ा फिटिंग करने से पहले लॉक लगाने से थोड़ा हम लोग प्रॉब्लम होना था, इसलिए हमने दरवाज़ा को पहले फिटिंग कर लिया, फिर उसके बाद हम इसका लॉक लगाएंगे। तो दोस्तों हमने लॉक लगाने के लिए देखिए हमने ये ले लिया है। तो दोस्तों हम इस ये लॉक यहाँ पर हम इस तरह से देखिए ये लगा देंगे। तो आप लोग दोस्तों देखते रहे वीडियो पे कि लॉक किस तरह से लगाया जाता है, तो आप लोगों पूरा वीडियो देखेंगे तो अच्छी तरह से आप लोगों को पता चल जाएगा कि लॉक किस तरह से लगाया जाता है। तो अगर आप लोगों घर पर जो अगर पुराना लॉक इसी तरह का लॉक अगर लगाया हुआ है, तो आप बदल के आप खुद ही जो है दूसरा लॉक बदल कर इसमें लगा सकते हैं, नया लॉक लेकर जो है खुद ही आप लगा सकेंगे। क्योंकि दोस्तों इस तरह का लॉक जो है वो सभी का साइज़ एक ही साइज़ का रहता है, तो आप जो है लेके लगा सकते हैं। और कोई कोई लॉक दोस्तों इससे भी ज़्यादा चौड़ाई में आता है, तो वो होने से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन अगर इसी साइज़ का आप लेके आते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। ये जो साइज़ का इसी यही साइज़ का लॉक ज़्यादा बहुत सारा लॉक मिलता है दोस्तों आपको बाज़ार में, कहीं डिज़ाइन अलग अलग हो सकता है, लेकिन इसके जो अंदर में लगाया जाता है वो लॉक सभी का एक ही तरीके का रहता है। तो आप अगर आपका घर का लॉक अगर कहीं ख़राब हुआ हो तो आप नया खरीद के लेके आप खुद से इस तरह से लगा सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पे।
दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो दरवाजा का लॉक वो लग चुका है फाइनली। देख सकते हैं कितने आसानी से लग कर हो चुका है कम्प्लीट। देख सकते हैं बिल्कुल टाइट नहीं, बहुत ही लूज है। और दोस्तों अभी इसके चौकट पर होल करने का हम बाकी रह गया है, हमने उस पर निशान भी लगा के रखा हुआ है। तो चलिए ये देखिए, हमने चौकट पर भी होल करके रेडी कर लिया। अब चलिए इसको हम जो है बंद करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए कितने आसानी से दरवाजा का लॉक बंद हो चुका है। और देखिए ये है इसका लॉक लगने वाला, इसको इस तरह से हाथ से घुरा कर इसको लॉक लगा सकते हैं। अंदर की तरफ से ये और बाहर की तरफ से इसकी चाबी है। तो ये देखिए कितने आसानी से लग गया, देखिए बिल्कुल भी खुलता नहीं है और इसका लूज भी नहीं, बहुत ही अच्छी तरह से टाइट हो चुका है फिटिंग। तो बहुत ही आसानी से दोस्तों हमारा लॉक जो है फिटिंग करके पूरी तरह से हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों और दोस्तों आप लोगों को इस दरवाज़ा का डिज़ाइन कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलेंगे फिर से एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।